અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના કાર્યાલય પર બબાલ પર પોલીસનું કોમ્બિંગ ઓપરેશન જોવા મળ્યું છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ બાદ પોલીસનું એક્શન. બબાલ કરનાર કાર્યકર્તાઓની પોલીસે અટકાયત કરી. પોલીસે અટકાયતથી પગલાં લીધા છે. સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણી કરી પોલીસ આગળની કાર્યવાહી કરશે. પરંતુ હાલ કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. બબાલ કરનાર કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને હવે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. पूरा मामला क्या है, किस तरह से मामला है? यहाँ पर जो पुलिस का लगाया हुआ है, यहाँ पर जो पत्थर मारा और ऐसा तनाव बना, इसके बाद में पुलिस ने तुरंत उसको कंट्रोल किया और पुलिस के द्वारा उसको डिटेन भी किया गया है. और इसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है, सीसीटीवी और जो कैमरे के द्वारा जो करी ली गई है, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी. इनपुट्स नहीं थे कि इतना मामला बढ़ सकता है, इतनी जो फोर्स कम थी? पुलिस के द्वारा तकेदारी बंदोबस्त, जिसमें डीसीपी, एसीपी और पीआई और पुलिस स्टाफ का पूरा बंदोबस्त यहां डिप्लॉय किया गया था, इसीलिए पुलिस ने समय सर कंट्रोल कर लिया. कितने लोग इंजर हुए? पुलिस के भी काफ़ी लोग इंजर हुए. काफ़ी लोग इंजर नहीं हुए हैं, जो हैं उनके बारे में अभी चेक करा जा रहा है. ऐसी कोई गंभीर इजा नहीं. लोगों को डिटेन किया कांग्रेस के कार्यालय के अंदर से भी? कुछ लोगों को, नेताओं को डिटेन किया गया? अभी यहाँ पर अभी पहुँच के अभी यहाँ सब कंट्रोल में है. उसके बाद में ही फिर अपने को कितने लोगों को डिटेन किया इसका फिगर पता चलेगा. ओपन रजिस्टर हो रहा है. इसके आगे अभी सीसीटीवी फुटेज और सब कैमरे को देख के आगे की कार्रवाई करी जाएगी. संयुक्त पुलिस कमिश्नर नीरज भट्ट गुजर सीसीटीवी फुटेज तथा जे मोबाइल वीडियो से तथा जे अन्य बाबतों से तेने आधारे आगनी जे कार्यवाही करवामां आवशे. कैमरामैन नीलेश साथ यूनुस गाजी, टीवी 9 अमदावाद.